मराठा अस्तित्व, मराठा आइडेंटिटी को जिस आदमी ने जन्म दिया वह है शिवाजी महाराज। 16,000 आदमी में से सिर्फ एक आदमी वापस पहुंचा था जगदम्बा। पुणे में था तो मेरे दोस्त ने लिखा रखा है छत्रपति, मैंने कहा कॉन्स्टेबल को गाली दे सकते हो? अरे बोले मैं पागल हूँ, हाँ मैंने कहा तो छत्रपति को लगा रखा है। अफजल खान को मार डाला उसने, शाइस्ता खान की अंगूठा काट लिया, औरंगजेब को रुलाता रहा वो आदमी जिंदगी भर। तुम और उस आदमी में बड़ा फर्क है यार, ये स्टिकर उतार कर फेंक दो, लिख दो पीछे बिग मंगा। उस इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद उस आदमी ने कांड किए, शिवाजी कोई आदमी नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स। आप शिवाजी से इसलिए प्यार मत करिए क्योंकि आप मराठा है छत्रपति। अरे आप शिवाजी को देखिए कि शिवाजी एक जमींदार के बेटे ने मुगलों को चुनौती दे दी, कैसे, वो पावर कहां से आई? आप लड़ जाओ अपने इलाके के सब इंस्पेक्टर से, बहुत मारे आपको। मैं पुणे में था तो मेरे एक दोस्त ने लिखा रखा है छत्रपति, मैंने कहा कॉन्स्टेबल को गाली दे सकते हो? अरे बोले मैं पागल हूँ, हाँ मैंने कहा तो छत्रपति को लगा रखा है। अफजल खान को मार डाला उसने, शाइस्ता खान की अंगूठा काट लिया, औरंगजेब को रुलाता रहा वो आदमी जिंदगी भर। तुम में और उस आदमी में बड़ा फर्क है यार, ये स्टिकर उतार कर फेंक दो, लिख दो पीछे बिग मंगा। और शिवाजी की ताकत के पीछे जो आदमी है वो है उनकी माँ, और दूसरी चीज जो उनके पीछे है वो है उनके गुरु, गुरु रामदास। इस देश में, इस देश में, भारत में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली आदमी हैं, और तब तो आप सुपर भाग्यशाली हैं जब आपको एक गुरु मिल जाए रामदास की तरह। वो जो आदमी आपको ज्ञान की दोबारा याद दिलाएगा वो है आपका गुरु। इसीलिए इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इनकार्नेशन। तो कहते हैं भगवान यही क्यों अवतार लेते, अवतार मतलब क्या? सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, अवतार है, आप भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हो। सर साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। कर्मकांडों में श्रम नहीं है, चुनौती नहीं है, नहीं है। मंदिरों में लोग जाते हैं, गए वहां, सारा काम यंत्रवत है, मशीन बेस्ड। अंदर गए, आरती किया, माला चढ़ाई, घंटा हिलाया, भागा। मन को आजादी है कहीं भी घूमने की। बड़े सारे मेरे मित्र हैं, नमाज पढ़ने गए, भागकर बाहर आए नमाज से, तुरंत सिगरेट लगा ली। आपका भी अवतार हो सकता है। आप भारत में पैदा हुए, आप बहुत भाग्यशाली हैं, और भारत में अगर आपको गुरु मिल गया रामदास की तरह। अब औरंगजेब का साथ किसका? पुरोहितों का। इसीलिए आपको औरंगजेब और शिवाजी के व्यक्तित्व में बड़ा फर्क दिखाई पड़ेगा, और ये कहानी आपको पढ़नी चाहिए। और इस कहानी को आप हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए, और अगर आप देखते हैं तो आप महान है। बड़ी प्यारी दो कैरेक्टर हैं शिवाजी, हिंदू मत देखो, हिंदू देखोगे मामला गड़बड़ा जाएगा। महाराष्ट्र का आदमी बड़ा छत्रपति, तुम छत्रपति नहीं, शिवाजी एक अलग आदमी। औरंगजेब, दोनों की संगत देखो, एक के पास गुरु है, जागृत गुरु, जागृत। उसने अपने शिष्य को भी जागृत कर दिया, वो इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट हो गया, वो इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट हो गया। उस इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद उस आदमी ने कांड किए, शिवाजी कोई आदमी नहीं है। गुरु रामदास कौन है? पारस, पत्थर। उसने शिवाजी लोहे को टच कर दिया, शिवाजी भी पारस हो गए, सोना हो गए। बात हिम्मत की नहीं होती, बात होती टेरेन की। सर 1839 में अंग्रेजों ने एक कांड कर डाला, ये अपने आप को बहुत बड़े सुपर पावर समझते थे इंग्लिश, तो इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान पर हम कब्जा कर ले, अपना आदमी बैठाएंगे, अपना, जैसे इन्होंने बंगाल में अपना आदमी बिठाया, अवध में बिठाया, तो इन्होंने सोचा हम अफगानिस्तान में अपना आदमी बिठाएंगे 1839 में। तो इन्होंने जो है, अफगानिस्तान का राजा था दोस्त मोहम्मद, अफगानिस्तान की ये
कहानी जानते नहीं थे, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को समझते नहीं थे, वहां के लोगों के कैरेक्टर को जानते नहीं थे। इन्होंने हमला कर दिया साहब। इनके पास एक पपेट था शाशुजा, लुधियाना में इनका पेंशनर था। ये उसको लेके गए और इन्होंने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाशुजा को गद्दी पर बिठा दिया। आपने सुना होगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। टेरेन, मैं टेरेन की कीमत बता रहा हूं, टेरेन। और अफगानी, अफगानी, राजस्थानी, राजपूत, मराठी, इन लोगों को लड़ाई इनके लिए पैशन है। और खासकर जब आउटसाइडर आ जाए, चाहे यूपी और बिहार का आदमी, ऐसा नहीं उसमें हिम्मत नहीं, बहुत हिम्मत है। लेकिन वो अफगान महाराष्ट्र में, अब बिहार का सैनिक खड़ा है बेचारा, खैनी बना रहा, और मराठी को निकला जंगल से, एक मोहरा अंदर घुस गया, अब कहां ढूंढोगे। अफगानियों को बड़ा दुख हुआ, ठीक है, इस मुर्दे को लाके बैठा दिया हमारे ऊपर, शाशुजा को, हम लड़ने वाले लोग हैं। 1841 में अपराइजिंग हुई काबुल में, अंग्रेजों ने डर के मारे ट्रीटी कर ली दोस्त मोहम्मद से। और जब अंग्रेज वापस आ रहे थे अफगानिस्तान से, सर अफगानियों ने एक एक आदमी को मारा। 16,000 आदमी में से सिर्फ एक आदमी वापस पहुंचा था। डाटा, डाटा आपको मिलेगा विपिन चंद्रा की किताब में, फॉरेन पॉलिसी चैप्टर नंबर 7। 16,000 आदमी में से सिर्फ एक आदमी वापस आया था। ये होता है टेरेन की कीमत, ये होती है टेरेन की इंपॉर्टेंस। तो जो लोकल मराठी है वो अपने टेरेन को अच्छी तरह समझता था, किस गली से निकलेंगे तो कहां पहुंचेंगे। और मराठा सरदारों की कीमत बढ़ने लगी दक्कन में। और उसी परिस्थिति में शिवाजी जैसे महानायक का जन्म हुआ। शिवाजी ने देखा, जागृत दिमाग है, जिंदा दिमाग है, जिसका दिमाग जिंदा वो महान। कुछ नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई करने से, बड़े पढ़े लिखे लोग मिलते हैं मुझे, बहुत पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा ही नहीं कभी, बड़े पढ़े लिखे, नॉलेजेबल लॉर्ड दिस इंडस्ट्रियन दैट इज आई एम फ्रॉम हियर आई एम फ्रॉम देयर। फिर मैं उनसे कोई छोटा सा सवाल कहीं से कर लेता हूँ, कहते ये कभी देखा था, है नहीं ये तो नहीं देखा। तुम अपने आप को बहुत, तुम ध्यान नहीं करते, तुम दीनहीन हो, ध्यान करो। शिवाजी का दिमाग जिंदा है, किसने किया जिंदा? रामदास ने, गुरु रामदास। इसलिए आप कई सारे फोटोग्राफ्स देखोगे शिवाजी की, जिसमें राम गुरु रामदास बैठे हुए हैं और शिवाजी उनके सामने खड़े हैं। यह है गुरु की ताकत। चूंकि वो राजा को पैदा करता है, इसलिए राजा की औकात नहीं होती कि उसके सामने बैठ जाए। भारत, कल मैंने पोस्ट डाला, आपने शायद ध्यान दिया कि जब तक भारत है तब तक इंडिया का कुछ भी नहीं होगा। भारत मतलब ज्ञान, ये ज्ञान का देश है, ज्ञान का। इसलिए ये पश्चिम के जो कैपिटलिस्ट हैं, ये हमारे संतों की बड़ी खिंचाई करते हैं, हियर इज इंडियन सेंट्स। और ये बड़ी मजेदार बात है कि ये हमारे संतों को अपने घर में बड़ी इज्जत देते हैं। किसी भी मिशनरी स्कूल में हिंदुस्तान में ध्यान नहीं सिखाया जाता। कहते हैं साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, आपका लड़का वियर्ड हरकतें कर रहा है, वियर्ड। अबे वियर्ड करेगा ही, क्लास फोर्थ के बच्चे को तुम चार बार बोलते हो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा बच्चा हो तो मैं तो कह दूंगा कि डाल देना मास्टर को, जो अगर तुमसे इस तरह से बात करे तो। मास्टर का काम किसी बच्चे को डिमोटिवेट करना है, वो टीचर है ही नहीं। टीचर और स्टूडेंट मतलब क्या, दोस्त। कल मैंने हमारे ऋषि भाई हैं, उनको मैंने मित्र कहा, उन्होंने मुझे लिखा सर आप मुझे मित्र क्यों कह रहे हैं। मित्रता ही होती है, टीचर और विद्यार्थी के बीच मित्रता ही होती है। जिन बातों को आप किसी से नहीं कह सकते वो आप अपने टीचर से कहेंगे, अगर बहुत ज्यादा करीबी हैं तो। और कहते ही वाजीराम में तो मतलब न जाने लोगों ने क्या क्या आके मुझसे कह रखा है। तो शिवाजी का जो जिंदा दिमाग था वो सोचने लगा कि भाई लड़ते हम हैं, मरते हम हैं, और फायदा किसका, या तो दक्कनी राज्यों का या मुगलों का। तो जब लड़ना हमें है और मरना हमें है तो हम अपना राज्य बना ले। क्या सोच पैदा हुई शिवाजी के अंदर कि जब लड़ना हमें, मरना हमें,
तो हम अपना राज्य बना ले, मराठा स्वराज। अब सोच पैदा होना ही बड़ी बात होती है, और अगर आप उसे कर ले जाएं, जैसे आपने कहा कि अगले साल मेरी आई उसमें फर्स्ट रैंक आएगी, तो हो सकता है लोग आपके पीछे हंसे, मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर आ गई तो लोग सजदा कर जाएंगे। हो सकता है आप किसी लोगों से कहते हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा 2034 में, हो सकता है लोग आपके पीछे पीछे हंसे, लेकिन अगर बन गए तो लोग सजदा कर जाएंगे। तो शिवाजी ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। 1674 मराठा स्वराज्य की स्थापना करती उस आदमी ने। औरंगजेब देखता रह गया। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये जागृत राजा की लड़ाई है, एक बेहोश राजा के खिलाफ। ये सीखना है। हिंदू मुसलमान की नजर से देखोगे तब नहीं सीख पाओगे, तब नहीं सीख पाओगे। मैंने कहा ना, बड़े सारे मेरे मराठी दोस्त ने छत्रपति छत्रपति करते रहते हैं, कुछ भी नहीं पता उनको छत्रपति के बारे में। किसी को मानो तो उसे फॉलो करो। ऐसा नहीं घर में अंबेडकर की फोटो लगा रखी और काल सर्प की पूजा करवा रहे हो तो तुम पाखंडी हो। पाखंडी और शिखंडी में ज्यादा फर्क नहीं होता। या तो तुम एक्सेप्ट करो, या तो तुम विरोध ना करो, या तो तुम गाली ना दो। तुम कहो कि भैया जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूं, मैंने इनकी भी फोटो लगा रखी है, मैं कर्मकांड भी करता हूं, कोई बात नहीं। इसलिए शिवाजी मराठा इतिहास में बहुत महान है। मराठा अस्तित्व, मराठा आइडेंटिटी को जिस आदमी ने जन्म दिया वह है शिवाजी महाराज। 1674 में औरंगजेब की आंखों के सामने एक जमींदार के बेटे ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। आप औरंगजेब का दर्द समझ सकते हैं। पुरोहितों से हिस्ट्री मत पढ़ो, पुरोहितों से हिस्ट्री पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। हो ही गए हो, अब बस खत्म होना बाकी है। पुरोहितों से इतिहास मत पढ़ो, पुरोहितों से। वो तो हिंदू पुरोहितों को बोलने नहीं दिया जाता। कोई भी हिंदू पुरोहित किसी गलत आदमी को मंदिर में प्रमोट करेगा तो बहुत मारेंगे। ये सब हिंदुओं की बड़ी खास बात है। पढ़ने की तरफ ज्यादा लगाव है, पढ़ना शौक है। इसलिए जितना ज्यादा विरोध मोदी का हिंदू कम्युनिटी इस वक्त कर रही है, बहुत कर रही है, खुलकर कर रही है, करना भी चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मकसद ही नहीं। मैं तो सिर्फ आपको सरकार को सपोर्ट करने के लिए कहता हूं युद्ध के परिस्थिति में। बाकी आप आइए ना संसद में, 400,000 लोग इकट्ठा हो जाइए। पर आप तो फेसबुक वॉर करेंगे, अभी बुलाया जाए तो कोई आएगा नहीं कि भैया वो खेत कटवाना है, पापा की तबीयत खराब है और किडनी में बड़ा दर्द हो रहा था भैया। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रेपरेशन है ना। ऐसे में यूपीएससी की प्रेपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा आईएएस आ गए हैं अब अपने सदाशिवपेठ पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रेपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? NCERT बेसिक्स और GS बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा IAS का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqraias.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ, इकरा IAS अबाउट नोटबुक हब, ट्रक रोड, सदाशिव पेट, पुणे।